हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया है। पहले जमाने में न जाने कितने महीने लग जाते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करने में, पर अभी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना कुछ ही घंटों का काम हो गया है। लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ इंसानों ने अभी तक पैर भी नहीं रखे है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्लेसेस के बारे में बताएंगे जहाँ इंसान कभी गया ही नहीं है। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड एक रिमार्केबल छोटा सा आइलैंड है जो 2000 माइल्स नियर वेस्ट ऑफ चिलियन कोस्ट के पास है और कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। पैसिफिक ओशन की वजह से ये बहुत स्मॉल है और सिर्फ 70 स्क्वायर माइल्स लैंड इनहेबिटेड, वो भी 4000 पीपल से। ये आइलैंड इसके पास जो ह्यूज रॉक स्कल्पचर्स मोया जो बीचेस को सराउंड करता है वो बहुत फेमस है। डेंट्री नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया। डेंट्री नेशनल पार्क लोकेटेड है फार नॉर्थ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में और कम्प्लीटली अनटच्ड है और इसके पास सबसे एंशियंट रेन फॉरेस्ट है। यह इकोसिस्टम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोसिस्टम अर्थ पे है जिसके पास ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज है जो कहीं और नहीं पूरे वर्ल्ड में, और कुछ स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं 2500 ईयर्स पहले से भी। ला रिनकोनाडा। पेरू ला रिनकोनाडा एक छोटा सा माइनिंग टाउन है जो पेरुवियन एंडीज में लोकेटेड है और ये जगह को वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सेसिबल प्लेसेस ऑफ साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। इस जगह को हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है और लोकेटेड है ये 17,000 फीट सी लेवल के अबाव। ये रिमार्केबल सिटी फ्रोजन ग्लेशियर में, और इस जगह को पहुंचने के लिए ट्रक से जाना पड़ता है और यहां जाने वाला रोड रग्ड और डेंजरस वाइंडिंग माउंटेन रोड से भरा है। इस सिटीज को पहुंचने के लिए बहुत सारे दिन लग जाएंगे और ये जगह हाई ऑल्टीट्यूड पे है और इसीलिए आप सिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर 30,000 लोग इनहेबिट करते हैं जो मोस्टली माइनर्स बाय प्रोफेशन है। गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड और प्रिस्टीन प्लेसेस इन द वर्ल्ड है। आर्किपेलागो बहुत सारे मरीन एनिमल्स और क्रिएचर्स जैसे कि जाइंट टॉर्टोइज़ेस, इगुआनास, पेंगुइन्स, व्हेल्स, सी लायंस का घर है। सिर्फ कुछ ही आइलैंड हैबिटेबल है टूरिस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पर दो एयरपोर्ट्स है। बहुत सारे आइलैंड के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है जो कि ह्यूमन से अफेक्टेड नहीं है। गैलापागोस आइलैंड के पास ह्यूमन पॉपुलेशन 23,000 है और न्यूमरस प्लांट्स एनिमल स्पीशीज इस रिमोट लोकेशन में रहते हैं। पापा न्यू गिनिया। पापा न्यू गिनिया के पास प्लेंटी ऑफ अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है जो जंगल के इंटीरियर्स में रहते हैं। रग्ड टेरेन, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह को डिफिकल्ट बना देता है ह्यूमंस को एक्सेस करने के लिए। मैकमुर्डो स्टेशन एंटार्क्टिका। मैकमुर्डो स्टेशन एंटार्क्टिक वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लोकेशन इन द वर्ल्ड है जो बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में है। यहाँ पर कोई भी नेटिव इनहेबिटेंट्स नहीं रहते। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जो ऑपरेट होते हैं और मैकमुर्डो स्टेशन सबसे लार्जेस्ट है। ये हमेशा फ्रोजन होता है, फिर भी समर्स में यहाँ 1200 साइंटिस्ट आते हैं। केरगुलेन आइलैंड। केरगुलेन आइलैंड डिजोलेट आइलैंड्स बोलकर जाने जाते हैं क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत वास्ट डिस्टेंस में रहती है जो कि सदर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई भी एयर स्ट्रिप्स नहीं है और इसलिए अगर आपको यहाँ पर आना है तो बोट से 6 दिन का राइड लेकर आना होगा। अलर्ट विलेज कैनेडा। अलर्ट विलेज कनाडा एक स्मॉल विलेज है कनाडा के अक्रॉस टिप ऑफ द न्यूनावु टेरिटरी आर्टिक ओशन जो 500 माइल्स बिलो नॉर्थ पोल है वहाँ लोकेटेड है। ये वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन द वर्ल्ड है जो इनहेबिटेड नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री बिलो जीरो रहता है और ये देखने जाएंगे तो अर्थ के टॉप पर है जहाँ पर वेरी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं जैसे की 24 आवर्स सनलाइट समर में या फिर 24 आवर्स डार्कनेस विंटर में। मोटुओ काउंटी चाइना। मोटुओ काउंटी चाइना को लास्ट कंट्री इन चाइना कहते हैं जहाँ कोई रोड नहीं है। इस जगह पर जाने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन द वर्ल्ड है जो अनटच्ड है और कोई ट्रैवलर्स से। ये ओवरलैंड रूट है जो बहुत डेंजरस है और ये रूट आपको हिमालयस के पास जो कम्प्लीटली फ्रोजन है वहाँ लेकर जाएगा। यहाँ पर रिच और ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज है। क्रिस्टन डा कुन्हा। ट्रिस्टन डा कुन्हा मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड है। यह आर्किपेलागो है स्मॉल आइलैंड का जो सदर्न अटलांटिक ओशन के अक्रॉस लोकेटेड है और इनहेबिटेबल है। ये जगह पहले डिस्कवर्ड हुई थी पोर्टुगीज एक्सप्लोरर से, फिर बाद में ब्रिटिश से कैप्चर्ड हुई थी।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जगह जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई, और अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसे कुछ जगह पर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा आपके पास ऐसी जगह के बारे में जानकारी है जो इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई है तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप सबको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।